और अब एक अच्छी खबर, गुड न्यूज आपको दे देते हैं। आपकी लड़ाई, हम सबकी लड़ाई का असर देखिए क्या हुआ है कि देश के 85 जिलों 85 डिस्ट्रिक्ट्स में 85 जिलों में 14 दिन से कोरोना का कोई नया केस नहीं है। और देश के 16 जिले ऐसे हैं जहां पिछले 28 दिनों से कोई नया केस नहीं आया है। ये ऊर्जा देने वाली खबर है कि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की तादाद भी बढ़ी है। देखिए, कोरोना को हराने वालों में 80 साल के बुजुर्ग भी शामिल हैं। ये सकारात्मक खबर देखिए और कोरोना को हराने वालों को सलाम कहिए। कोरोना को हराने वाली आज की सबसे अच्छी खबर। कोरोना से डरेंगे नहीं, जीत कर दिखाएंगे। कोरोना को हराने वाले बुजुर्गों से सीखिए। नोएडा के सेक्टर 93 में रहने वाले पूरे परिवार में 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन अब सभी ठीक हो गए हैं। 82 साल की उर्मिला सुन नहीं सकती हैं, व्हीलचेयर पर है, लेकिन कोरोना के खिलाफ उन्होंने जंग जीत कर दिखाई। बेटी कावेरी भी कोरोना पॉजिटिव थी, उन्होंने भी अपना ख्याल रखा और माँ का भी। इनके चेहरे की खुशी आपको बता रही होगी कि जब कोरोना से लड़ने के बाद आखिरकार जीत हासिल होती है तो कैसा लगता है प्रशासन को, डॉक्टर्स को, खासतौर पर मरीजों को कैसा लगता है? लोग बड़ा डर जाते हैं कि अगर इतनी उम्र में हो गया तो पता नहीं क्या होगा। इनके अनुभव, आपने इनका ख्याल रखा, कैसे रहे? जी, बहुत डर था, अपने लिए तो नहीं था, इनके लिए बहुत डर था, क्योंकि उम्र के साथ बहुत सुना था कि कोरोना का काफी नेगेटिव असर हो जाता है। बट आई वॉज वेरी वेरी लकी विद द काइंड ऑफ टीम दैट इज वर्किंग हियर। लोगों से कुछ कहना चाहेंगी? क्या कहूँ, थैंक यू कह दीजिए। थैंक यू बोल कह सकते हैं। ये 8 लोगों में से है जिन्हें कास्ता के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से छुट्टी मिली है। अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि कोरोना पीड़ितों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन और ओसेल्टामिविर दी गई। खाने में इन्हें ताजा खाना, दाल, चावल, सब्जी, रोटी आदि जैसी चीजें दी गई। गर्म पानी 24 घंटे दिया गया, पीने के लिए गुनगुना पानी दिया गया, मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग, योग और मेडिटेशन भी कराया गया। यहाँ से जाने के बाद कम से कम 14 दिन जैसे जिस हालत में यहाँ रहे थे उनका पूरा सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, रेस्पिरेटरी इनका एटिकेट्स, वो सारे के सारे मेंटेन होना चाहिए। इस अस्पताल में 35 में से 31 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। डिस्चार्ज हुए मरीजों को 14 दिन आइसोलेशन में रहना होगा। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कोरोना को हराया जा सकता है। महामारी से डरना नहीं है, उसके खिलाफ जागरूक रहना है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया। तो यानी कोरोना संक्रमितों के ठीक होने की दर की बात करें तो करीब करीब 22% फिलहाल, ये जो कि अच्छी खबर है। सावधानी बरतिए, एहतियात बरतिए, क्योंकि जानकारी ही सावधानी ही बचती है। नो सिग्नल नो वरी प्रेजेंटिंग जी न्यूज ऐप विद लाइव टीवी, लेटेस्ट अपडेट्स एंड एक्सपर्ट ओपिनियन, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।